जाने का प्लान बना है करणी माता का मंदिर देशमुख, वहाँ पर वहाँ जाने के लिए हम कर रहे हैं बस का वेट। तो देखो बस कब तक आती है, उसके बाद चलेंगे। तो अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं नवले की चक्की बाड़मेर में। तो हमारी बस आ चुकी है, हम बैठ चुके हैं बस में और हमारे साथ वालों ने ले लिया टिकट, वो पीछे की सीट पे बैठे बातें कर रहे हैं, चलते आगे। तो माँ करणी के जयकारे के साथ का ये सफर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है देशनोक के लिए। हमारे साथ में ये सामने चश्मे वाले भाई साहब तनोट डिफेंस एकेडमी के संचालक घेवर सिंह राजपुरोहित, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। साथ में इनके जो स्टूडेंट है वो भी थे अग्निवीर और साथ में कुछ रिलेटिव। हम निकल चुके हैं यहाँ से देशनोक के लिए। तो अभी हम पहुँच चुके हैं फलोदी के इर्द गिर्द है, यहाँ से फलोदी लगभग 30 किलोमीटर और हमारा आज का सफर बचता है यहाँ से लगभग 170 किलोमीटर। तो समय हो चुका है अभी 4 बजने को है, तो देखते हैं किस समय हम पहुँचते हैं। वैसे हम निकले थे 12:30-1 बजे। अभी हम पहुँच चुके हैं भाव, यहाँ पे रुके हैं हम चाय पीने के लिए। तो चाय पियेंगे उसके बाद निकलेंगे हम आगे के लिए। तो अभी हम पियेंगे चाय, चाय हमारी आ चुकी है सामने, हमारे अग्निवीर मुस्कुरा रहे हैं, चाय पी रहे हैं और साथ में करेंगे यहाँ पे ब्रेकफास्ट, वहाँ से बाद में चलेंगे आगे की। अभी हमारे सामने ये आ चुका है कोलायत, यहाँ पे बता रहे हैं कि बजरी यहाँ की फेमस है कोलायत की, लाल कलर की। ये जानकारी पूर्ण रूप से सत्य भी हो सकती है क्योंकि इतना हमें नॉलेज नहीं, और असत्य भी हो सकती है, लेकिन बता रहे हैं जैसे हमने बताया आपके साथ शेयर किया। ये कोलायत शहर है, बीकानेर रोड आता है यहाँ से बीकानेर की तरफ से और यहाँ पे ये जा रहा है देशनोर की तरफ। अभी हम रुके हैं यहाँ पे, यहाँ पे समस्या ये हो रही है, काफ़ी लोगों की तबीयत खराब हो रही है वोमिटिंग, इस वजह से रुके हुए। आखिर हम आ पहुंचे देशनोक, ही सामने रेलवे स्टेशन है देशनोक का। देशनोक के रेलवे स्टेशन के जस्ट बाजू में है श्री करणी माता जी का मंदिर है, वो जो सामने दिख रहा है। चलेंगे हम वहाँ पे, हाथ पैर धो के अंदर मंदिर में चलेंगे। शाम का समय है, आरती का टाइम है और आरती हो रही होगी, तो हम आरती फटाफट अटेंड करेंगे। तो अभी हमने गाड़ी को कर दिया यहाँ पे पार्क, हाथ पैर धो लिए, प्रसाद लेने वाले प्रसाद ले रहे। ये यहाँ पे प्रसाद के रूप में मिलता है चने और ये जो नारियल होता है सूखा, वो काबा, जो कि यहाँ पे करणी माता के चूहे होते हैं उनको काबा बोलते हैं, उनके लिए यहाँ प्रसाद, माता की चुंदरी मिलती है। ये सब ले लिया यहाँ से, चल रहे हम मंदिर के अंदर और हमारे गुरु संचालन कर रहे हैं हमारा। तो काफ़ी यहाँ पे स्वीट होम भी है, काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप थी यहाँ पे, आप देख सकते हैं जितना जैसा कि यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है, काफ़ी दुकान है यहाँ पे, आप कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हो, घरेलू आइटम, बच्चों के आइटम और प्रसाद के रूप में अच्छा खासा। और सामने आप देख सकते हैं ये मंदिर है, इसका यहाँ पे एंट्रेंस गेट है। तो हम जब पहुँचे वहाँ पे उस समय आरती हो रही थी, हम आरती के समय बहुत ही अच्छे समय पे पहुँचे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फटाफट हमने बिना किसी वेट किए जा पहुँचे हम सीधा आरती में। तो आरती का समय था, हमने बिना समय जाया करते हुए फटाफट माता जी के दर्शन करने के लिए लग गए लाइन में। जो कतार थी उसमें छोटी सी कतार थी, ज़्यादा भीड़ थी नहीं, इसलिए सामने से आप एंट्रेंस गेट देख सकते हैं। इससे फटाफट हम चले गए अंदर और यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है यहाँ माता जी के जो काबा है, ब्लैक और सफ़ेद कलर के चूहे, बोला जाता है कि सफ़ेद कलर का चूहा आपको दिख जाता है तो माता जी के मानो दर्शन हो गए और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और यहाँ पे आप अनगिनत चूहे देख सकते हैं, लाखों की तादाद में चूहे इधर उधर होते रहते हैं। यदि आपके पैर के नीचे चूहा आ जाए, वैसे आता नहीं है, तो आपको चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ सकता है, ऐसी यहाँ की मनोकामना है ऐसा बताया जा रहा है। और बताया जाता है यहाँ पर चूहों की संख्या बढ़ती घटती रहती है, जब भी यहाँ पर किसी चूहे का देहांत होता है तो मानो किसी के वहाँ किसी की लड़की का जन्म होता है ऐसा बताया जाता है। और यहाँ पे कभी चूहे का जन्म होता है तो किसी लड़की का या किसी चारण कुल के किसी व्यक्ति का निधन होता है तो यहाँ उसी चूहे के रूप में जन्म होता है देवी के चरणों में, ऐसी बातें और ऐसी मैंने कहीं पे पढ़ी है। इसमें कितनी सत्यता है ये किसी वैसे व्यक्ति जो इसके बारे में जानकारी रखता है वही बता सकते हैं। हम करते हैं यहाँ पे फटाफट माता जी के दर्शन और लेते हैं माता जी से आशीर्वाद, हमारी मनोकामनाएँ पूरी हो, साथ में हर उस व्यक्ति की मनोकामनाएँ पूर्ण हो जो हमारा ये वीडियो देख रहा है, माता जी के दर्शन कर रहा है। दर्शन करने के बाद देख सकते हैं, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे सफ़ेद चूहा, जो माना जाता है करणी माता जी का अवतार, वो दिख जाता है तो आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है और हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यहाँ पे बहुत सारे चूहे थे, आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के इतने सारे चूहे, यहाँ प्रसाद के रूप में इन्हें चढ़ाया जाता है, दूध, काले चने और साथ में सूखा हुआ नारियल, वो हमने भी चढ़ाया था। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम ढूंढ रहे थे सफ़ेद चूहा, तो उसके लिए हम आ पहुँचे यहाँ पे, एक भाई ने हमारे यहाँ मार्गदर्शन किया, बताया कि आप यहाँ आइए, देखिए आपको सफ़ेद चूहा दिख जाएगा। तो हम मंदिर के पास में बना हुआ था एक पुराना मंदिर का ही कोई भाग होगा, उसके अंदर पहुँचे, वहाँ हमारे सामने ये जय हो करणी माता जी की, ये हमें दिख गया।
सफ़ेद चूहा, तो हम मन ही मन खुश थे कि हमारे ये जो सफ़र था और ये जो हमारी प्रार्थना थी स्वीकार मान सकते हैं। साथ ही साथ में एक नहीं, हमारे को यहाँ पे काफ़ी चूहे सफ़ेद देखने को मिले, तो मैं आपको एक ये दिखा देता हूँ। तो उसके बाद मनोकामना यहाँ पे हो चुकी है पूर्ण, क्योंकि हमें दिख चुका है यहाँ पे सफ़ेद चूहा और एक साथ में यहाँ पे एक और था लेकिन वो चला गया अंदर की तरफ। यहाँ पे भी था लेकिन पीछे रहा, हमारे पीछे सफ़ेद चूहा है। हाँ दिखाओ, एक हमारे पीछे यहाँ इसके अंदर भी सफेद चूहे दिखते हैं। अभी अंधेरा था, हम तो देख पाए नहीं, वैसे यहाँ पे काफी लोग ट्राई कर रहे थे देख। तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर के बाहर, बाहर से कुछ फोटो सेल्फी वगैरह लेंगे, उसके बाद में चलते हैं सामने की तरफ। तो सामने इसका करणी म्यूजियम और सेल्फी पॉइंट बना हुआ है जहाँ से मंदिर का आप फोटो ले सकते हैं। अभी चलते, कहीं भी म्यूजियम बना हुआ होता है वो हिस्ट्री के बारे में बताता है। तो हम ही आ चुके हैं श्री करणी म्यूजियम में और यहाँ पे जो भी चमत्कार है, जो जो बातें लिखी हुई है वो काफ़ी पढ़ी और काफ़ी जानकारी हुई। और ये देवीय जो शक्तियाँ होती है इनके इतने चमत्कार होते हैं, आप उसको एक दिन में कभी जान नहीं पाओगे। तो चलते हैं यहाँ से आगे। अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से, चलते हैं बीकानेर की तरफ, वहाँ खाएंगे हम खाना, उसके बाद चलेंगे हम सीधा तनोट। आज हमारे ये नाइट ट्रेवल रहेगा, तो सारा कुछ बताएंगे। और बोलिए करणी मात की जय हो। अभी आ चुके हम बीकानेर शहर में और यहाँ पे गूगल बाबा ला के हमें छोड़ दिया है शहर के बीचों बीच में ऐसी गलियों में जहाँ बाइक भी नहीं घुस सकती है। वहाँ से हमें ये, अब आप बोलोगे कि आप एक हिंदुत्व की बात करते हैं, हमें मिले आरएसएस से जुड़े हुए सदस्य जिन्होंने हमें 2 से 2.5 किलोमीटर तक हमारे साथ में चल के हमें हाईवे पकड़वाया। ये सामने जो शख्स दिख रहे इन्होंने, रीजन था इन्होंने हमें ये नहीं पूछा कि आप कौन हो कौन नहीं, हमारी गुजरात नंबर की गाड़ी थी, लेकिन हमारे पीछे जो लगा हुआ था लोगो देख के एक शख्स ने बिना कुछ देखा न पूछा अपनी बाइक लिए हुए अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के समय निकाल के आज के टाइम में कौन आता है। फिर लोग बोलते आरएसएस ऐसा है आरएसएस वैसा है, ये शख्स आया 2 से 2.5 किलोमीटर तक शहर से, हमें बोला आप मेरे पीछे पीछे आइए। अभी लगी थी जोरों की भूख, हम आ रुके हैं एक भादू होटल पे जिसका खाना खाएंगे और बताएंगे कैसा खाना है। तो भाई साहब 100 रुपए के खाने में खीर हलवा पूरी सब्जियां रोटियां कौन कहाँ मिलता है 100 रुपए में, तो खाना कैसा भी हो 100 रुपए में पहले तो खाना देखो, उसके बाद आगे की बात। खाना बहुत शानदार बना है, 100 रुपए की थाली के अंदर हलवा भी है खीर भी है देसी सब्जियाँ केर सांगरी है ठंडी है और काफी की सब्जी है, बहुत शानदार। दादू भाई की होटल केसरी भाटा, तो एक बार जरूर खा के जाना, आपको अच्छा लगा ना, बहुत शानदार। हम रुके थे भादू भाई होटल पे, ये कोलायत रोड पे आई हुई है और खाने का रिव्यू लेते हैं सबसे पहले इनसे, कैसा था खाना? खाना बहुत अच्छा था। बढ़िया लगा आपको? बढ़िया, बहुत सेटिस्फाइड हो गए आप? बिल्कुल सर। 10 में से 10? 10 में से 10। कैसा लगा छोटू खाना आपको? बहुत बढ़िया। बढ़िया खाना लगा? चलते गुरु के पास। गुरु कैसा था खाना? अच्छा था, मजा आया खा के? तो देवर सिंह आज आपको खाने का रिव्यू देना है, तो बताइए कैसा था खाना? खाना बहुत अच्छा लगा। 100 रुपये में कैसा खाना? 100 रुपये की थाली के अंदर, इसके अंदर लाची हलवा पीठा, मतलब कुल मिला के 8 से 10 आइटम थे। देसी सब्जियां थी, खाचर की सब्जी, सांगरी की सब्जी, बहुत अच्छा लगा खाना खा के। 100 रुपये की थाली के अंदर बहुत कुछ। 100 रुपये में क्या ही मिलेगा? बहुत बढ़िया शानदार खाना था। शहर में आदमी एक रोटी 20 की खाता, 5 रोटी 100 गिर जाती है। यहाँ पे तो बहुत ही वाजिब दाम के अंदर फुल खीर, फुल छाछ, फुल दही, खीर, हलवा। तो भाई जो भी लोग यहाँ आओ, आप सजेस्ट करोगे? बिल्कुल खा के जरूर। कोलायत रोड पे ये साधू भाई होटल है, आप जरूर खाना यहाँ का ट्राई करें। और हम मिलेंगे अब सीधा तनोट में, ये लोग करते हैं यहीं पे एड। बाय।